अम्मा, आप अब्बा से बात क्यों नहीं करती? आपको पता है ना मधिया को कितना शौक है कॉलेज में पढ़ने का। नहीं, अम्मा क्यों बात करेंगी अब्बा से? अम्मा भी अब्बा की तरह हमें बोझ समझती हैं, हमें घर से बाहर निकालना चाहती हैं। माँ हूँ तुम्हारी, तुम तीनों से जितनी मोहब्बत करती हो ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकती। तो अब्बा हमसे इतने खार क्यों खाते हैं? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने? बेटी हो गए ना, ये गुनाह हो गया। अम्मा, जब मैं पैदा हुई थी क्या अब्बा तब भी खुश नहीं हुए थे? मैं तो पहली औलाद थी ना। अल्लाह अपने कुछ बंदों को आजमाइश में डालता है और कुछ का इम्तिहान लेता है। तुमसे पहले एक बेटा पैदाइश के चंद घंटों बाद ही फोत हो गया था। अल्लाह खलील को बेटे से महरूम रखना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने तीन बेटियों से नवाज कर खलील को इम्तिहान में डाला और खलील की बेटियों से नफरत को मेरे लिए आजमाइश बना दिया। अम्मा, बेटियां तो रहमत होती हैं और रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, तो फिर हमें बोझ क्यों समझा जाता है? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अम्मा बताओ ना, हम तो कोई फरमाइश भी नहीं करते। बेटा वो सारी ज़िंदगी इसी गलत फहमी में रहेंगे, मगर तुम तीनों को उनकी इज्जत करनी है क्योंकि वो तुम्हारे अब्बा हैं। अम्मा ये तो कोई बात ना हुई। हाँ, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हमें जहमत समझे, हमें मारे, हमें पीटे, हमारी पढ़ाई बंद कर दे, फिर भी हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे बाप हैं। हमें तो उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने पैदा होते हमें दफना नहीं दिया। आज आप इतनी जल्दी आ गए? मुझसे सवाल मत किया कर ऐसे। कल तीनों लड़कियों को तैयार कर देना, एक रिश्ता है, तीनों में से जो पसंद आ गई ब्याह देंगे। तीनों? मगर सिद्रा तो अभी बहुत छोटी है ना। मैंने कह दिया ना कि तीनों तो फिर तीनों, आगे कोई बात नहीं। मुझे नहीं करनी है अभी शादी। क्या क्या कहा तूने? तू शादी नहीं करेगी? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे बोलने की? सारी जिंदगी मनुष्यत का साया बन के रहेगी हमारे सर के ऊपर। ना मारे, बच्ची ये समझ जाएगी। जब से ये लड़कियां पैदा हुई हैं, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। हर कारोबार में मुझे नुकसान हो रहा है, बेऔलादा रह गया हूं मैं, नस्ल रुक गई है मेरी। हट जा पीछे। रुक जा। बर्बाद कर दिया मुझे। यार कितने झगड़े की आवाज आ रही है अंदर से। अबे इनका तो रोजाना का यही काम है, पूरा मोहल्ला परेशान है इनसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मधिया, पता नहीं अब्बा कैसे शख्स के साथ हम तीनों में से किसी एक को बांध देंगे। होगा कोई उनके ही जैसा नफ्सियाती, मैं तो नहीं जाऊंगी सामने। लेकिन सिद्रा का क्या? ये तो अभी बहुत छोटी है, अगर उस शख्स को सिद्रा पसंद आ गई तो? मैं तो कहती हूँ कल कोई भी सामने ना जाए। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे ना, तो मार ले। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। बाजी आप फिक्र नहीं करें, कल की कल देखी जाएगी। लड़के के तो आगे पीछे कोई है नहीं, और शफीक ने मुझसे तस्करा करा तो मैंने कहा चलो चल के बात कर लेते हैं। आप लड़के की? मैं पड़ोस में रहती हूँ इनके। फहीम बता रहा था तुम्हारी मुर्गी की दुकान है। जी छोटी सी दुकान है मेरी मुर्गी की, पोल्ट्री फार्म बना रहा हूँ, बनाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। खैर ये तो तुम्हारा अपना काम है। महीने का कितना कमा लेते हो? कारोबार अपना है,
इसलिए मुनाफा ऊपर नीचे हो ही जाता है, गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। बेटा बिस्किट खाओ ना। क्या जरूरत थी तुझे मुनाफे के बारे में पूछने के लिए? आखिर है ना औरत, लालच आ गई ना जबान पर। बेटी के मुस्तकबिल का सवाल था तो क्या नहीं पूछती? तुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सब मालूम कर लिया है। वैसे भी सायरा ने वहां जाकर कौन सी उनकी कमाई में इजाफा करना है देख लेना, नुकसान ही करवाएगी। उसने सायरा को पसंद किया है। हाँ तो इससे कह दो शादी के बाद हमसे वास्ता इसका खत्म, पलट कर वापस ना आए। वैसे भी ये मनुष्य है, इसकी वजह से मेरा बेटा नहीं बच सका। ऐसा तो ना कहें, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। हमारा बस चले ना तो अपनी बेटियों को जिंदगी भर घर बिठा के रखो। मैंने कब से कहा था बेटियों के रिश्ते के लिए, लेकिन ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। और ये छोटे वाली हराफा, ये क्यों नहीं बैठी उनके सामने? आप इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? बहाने खत्म नहीं होते तुम लोगों के, नफरत है तुम्हारी बेटियों से मुझे। और सुनो, परसों निकाह है, तैयारी कर लेना। आज इस घर में पहले की नस्बत ज्यादा रौनक लग रही है, शायद तुम्हारी ही कमी थी। ये घर तुम्हारा है, इसलिए मुझे यकीन है कि इस घर की तरह तुम मेरी जिंदगी को भी पुरौनक बना दोगी। शादी के इंतजाम करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मुझे भी शादी की रिवायत के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। ये तुम्हारी हक मेहर की रकम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे जावेद भाई? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। शादी के बाद तो जवान जवान लग रहा है मेरा भाई। अरे छोड़ इन बातों को। अच्छा तू मुझे ये बता, मेरे केस की बात कहाँ तक पहुँची, क्या कह रहा है वो वकील? अरे मियाँ, तुमने शादी गलत टाइम पे कर ली। कहते हैं ना, औरत के आने से पैसा आता नहीं बल्कि जाता है। मैं इन बातों को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अरे मजाक कर रहा था यार, वो लोग केस को बिला वजह मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यार तू जानता है जावेद, मैंने बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके ये पोल्ट्री फार्म के लिए ज़मीन खरीदी है। मैं इतनी आसानी से ये कब्ज़ा माफिया के हाथों में जाने नहीं दूंगा। उन लोगों ने जाली कागजात बना रखे हैं, और प्लॉट के बराबर में जो मस्जिद है ना, वो लोग उसकी ज़मीन भी हथियाने के चक्कर में लगे हैं। कोर्ट जैसे ही कागजात की जाँच पड़ताल का ऑर्डर देगा, समझो उस दिन फैसला हमारे हक में ही होगा। अल्लाह करे यार ऐसा ही हो। अब तूने इस मसले को हल करना है। अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता। कैसी बातें कर रहे हैं यार शफीक, तू मेरा दोस्त है यार। चल अब फटाफट 2 किलो गोल्डन से पीस तो बना। क्यों नहीं यार, ये ले। लाई है मुझे तो। आज आप थके थके लग रहे हैं। हाँ यार बस है एक मसला छोटा सा, दुआ करो कि वो हल हो जाए। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं
मैं अपना पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, पैसों की तंगी की वजह से वक्त पर काम नहीं हो सका, तो कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। 1.5 साल से केस चल रहा है कोर्ट में, देखो तो क्या हाल निकलता है। तो उनके पास कोई कागज़ है जिससे ये साबित हो कि वो ज़मीन उनकी है? आजकल जाली कागज़ बनाना कौन सा मुश्किल काम है, और ऐसे ही वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं अकबर हूँ, बस सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। आगे जो अल्लाह को मंजूर। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपके हक में फैसला होगा। अब तुम आ गई हो तो इंशाल्लाह सब ठीक हो ही जाएगा। मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। अरे रुके रुके, क्यों, अब क्या हुआ? खाना तो लेते जाएं। ये अपना ख्याल रखना। और आप भी। अच्छा, दरवाजा अंदर से बंद कर दो। तेरी वजह से, तेरी मनुष्यत की वजह से आज मेरा ठेला जब्त हो गया। ठेला जब्त हो गया तेरी वजह से। सुबह तेरे हाथ की चाय क्या पीली थी, पता नहीं क्या क्या और क्या क्या बुरा होगा मेरे साथ। क्या क्या बुरा होगा, क्या कसूर है अम्मा, मेरा क्या कसूर है अम्मा। अब तुम आ गई हो तो इंशाल्लाह सब ठीक हो ही जाएगा। कितना फर्क है दोनों, कितना फर्क है दोनों। मेरा बाप भी अनपढ़, मेरा बाप भी अनपढ़ और मेरा शौहर भी, और मेरा शौहर भी। मगर मेरा शौहर, मगर मेरा शौहर औरत की इज्जत करना जानता है, इज्जत करना जानता है। वो औरत को मार से नहीं, मार से नहीं, मान से रखना जानता है, मान से रखना जानता है। औरत के लिए लहजे में, के लिए लहजे जहर की बजाय मिठास रखता है, मिठास रखता है। मैं शादी से पहले जितना डर रही थी, जितना डर रही थी, अब उतना ही सकून, अब उतना ही सकून। वाकई में, वाकई बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मेरे बाप, मेरे बाप और मेरे शौहर में, और मेरे शौहर में। मेरा बाप मुनाफी खुदा है, मुनाफी खुदा है। और मेरा शौहर, और मेरा शौहर मिजाजी खुदा। बाजी तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आओ अम्मी, देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ। आज पानी लेकर आती हूँ। आ जा बेटा, ले। कैसी है बेटा, खुश तो है ना? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगा था कि कहीं अब्बा अपने जैसे शख्स से ना ब्याह दें मुझे, लेकिन अम्मी शफीक बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो बहुत डरी हुई थी बेटा। क्या बात है, शादी की बात तो बहुत मोटी हो गई हो। अच्छा बढ़िया। पूरा दिन के लिए आइए ना बाजी। हाँ फिर तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। अरे बेटा कुछ देर तो मेरे पास बैठने दो। से अम्मी पूरा दिन पड़ा है, आप करती रहिएगा बातें, अभी हमें करने। चलो मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे। तुम यकीन करो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। क्या बात है, चलो अब्बा ने एक काम तो अच्छा किया अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारी शादी करके। बुरी बात है। क्या बुरी बात है, तुम्हारे जाने के बाद हम दो ही मज़लूम बचे हैं बस। ये सायरा क्यों आई हुई है? वो ऐसे ही मिलने आ गई थी,
खाना लगा दे। अभी लगाती हूँ। मुझे तो अभी भी डर लगता है अब्बू से। मुझे भी। मदिया बेटा उठो खाना लगाओ। मैं लगाती हूँ। नहीं बेटा तुम बैठो, मदिया लगाएगी। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो जमीन के दावे से दस्तबरदार हो जाओ, वरना दुकान के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। यार जब मैंने सुबह सुबह दुकान खोली तो ये पर्चा मुझे अंदर से मिला। कुछ नहीं होता यार, वो लोग सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। अब क्या होगा? ये खत देख के उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये खत बतौर सबूत मैं अदालत में पेश करूंगा। ये तो कोई भी लिख सकता है, इससे क्या साबित होना है? हाथ की लिखाई बड़े काम की चीज़ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिलहाल तुम इस पे साइन कर दो। तुम्हारे जो 50,000 रुपये फंसे हुए थे ना, वो मैंने क्लियर करा दिए। चाय रख दो। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। वो आप मुझे कल बाजार ले चलेंगे? मुझे बच्चे के लिए खरीदारी करनी है। क्या मतलब? तुम खड़े क्यों हो? तुम बैठो ना इधर। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हुई है, मेरे लिए कितनी बड़ी खबर है। मैं किस तरह बता? अम्मा, अब्बा अब ज़्यादा घर पे नहीं आते? नहीं बेटा, वो घर पर कम ही आते हैं। तुम ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? काम करने को कहा है। अब मैं अकेली ही होती हूँ घर में, और कितना काम करूँ अम्मी? ये क्या हुआ अम्मी? सिद्रा ने फिर खुद को चोट पचा ली। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद मैं भी सिद्रा की तरह हो जाऊँगी। नहीं मदिया, ऐसे नहीं कहते। अम्मी आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हैं? ये ठीक नहीं है इस तरह खुद को चोट पहुंचाना। कैसे दिखाऊं बेटा, तुम्हें तो तुम्हारे अब्बा का पता है ना। अम्मी ये रखें, आप सिद्रा को डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा ये। अरे अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गैर नहीं हूँ, रख लेंगे। वो अकेला तुम्हें। तुम मेरे लिए बहुत खुश नसीब साबित हुई हो। तुम जब से आई हो मेरे मामला खुद ब खुद सुलझते जा रहे हैं। ये तो आपकी मोहब्बत का असर है। वैसे किस लिए कर रहे हैं आप इतनी मेहनत? क्या करेंगे कारोबार बढ़ाते हो? भाई मेरा बेटा संभालेगा। Thank you.
एक गिलास पानी देना। सायरा, तुमसे मैंने एक गिलास पानी का बोला था। बात सुने? बोलो। आपको बेटा पसंद है या बेटी? बेटा। और अगर बेटी हो गई तो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले सायरा, अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं तुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और तेरी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं तेरी और तेरी बहनों की क्या हैसियत है तेरे बाप की नजर में। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। बेटा। मैं शफीक को गलत समझ रही थी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। अगर बेटी पैदा हुई तो शफीक भी अब्बा की तरह मुझे और मेरी बेटी को लान-तान करेगा। या अल्लाह मुझे बेटे से नवाज दे। मैं अपनी बेटी पर जुल्म होता नहीं देख सकती। मुझे कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, अगर चाहो तो अम्मी के यहाँ जा सकती हो तुम। नहीं नहीं, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं शाम में जल्दी आऊँगा, फिर डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या सोच रहा? यही कि तेरे घर बेटी होगी और तेरा शौहर तुझे घर से निकाल देगा। तेरे साथ यही होना चाहिए। तुम दोनों मां बेटियां हो ही मनुष्य, किसी का घर आबाद रख नहीं सकती। लेकिन इतना याद रखियो, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। अगर तेरा शौहर तुझे घर से निकाल दे तो अपनी मनुष्य बच्ची को लेके मेरे घर का रुख मत कीजो, समझी तू? मनुष्य कहीं की कौन? बाजी बराबर से आया हूं। आज हमारे घर पर न्यास। बेटा तुम उदास क्यों हो? अम्मी, मैंने शफीक को गलत समझा था, उसे भी बेटा चाहिए। क्या उसने तुमसे खुद ही कहा कि उसे बेटा चाहिए? हाँ अम्मा। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर बेटी हो गई ना तो वो भी उस पर वैसे ही जुल्म करेगा जैसे अब्बा हम पे किया करते थे। नहीं बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, हो सकता है कि तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई हो। नहीं अम्मा, मैंने खुद उसकी आंखों में बेटे के लिए मोहब्बत देखी है। अगर बेटी हो गई ना अम्मा। बेटा ऐसा नहीं कहते। मैं ऐसा नहीं कहते बेटा, सब अच्छा होगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो।
measure that. That's gone way out of the ballpark. That is huge. He's already in the top five of the biggest bashers. Well, it's just the bat speed, isn't it? He just really come through quick with the bat. Used the pace of the delivery. And well, held it on its way. It's a bit of an understatement. He's absolutely clubbed it with the high bat speed. Hey, Cameron, why are we thinking, what are we rushing through for? What are we rushing those first five? We've got to make sure we're on the right side of the ledger. Chini kam hai. Chini la dun. तुम पहले जैसी नहीं रही। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं नोट कर रहा हूँ कुछ दिनों से तुम काफी बुझी बुझी रहने लगी हो। तुम यहाँ खुश नहीं हो ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? तुम दवाई तो वक्त पर ले रही हो ना? जी जी, मैं दवाई टाइम पे खा रही हूँ। आप परेशान नहीं हो? ये बताएं, वो प्लॉट का क्या हुआ आपके? तारीख पे तारीख, मुखालिफ पार्टी तारीख पर तारीख लिए जा रही है। पर उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी फैसला सुना दिया जाएगा। तुम दुआ तो कर रही हो ना? सुना इस वक्त औरत की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। जी। यार अगर ये बात ठीक है तो मेरी दुआ कबूल कर ले। मुझे बेटे से नवाज, मुझे बेटे से नवाज दे या अल्लाह। या फिर मेरे बच्चे की जान ले ले। क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ वो बर्ताव नहीं देख सकता जो मैंने सहा। खैरियत तो है ना? बच्चा है। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे देखो तुम्हारी मम्मा उठ गई हैं। हेलो प्याला पाला शहजादा, मेरा अच्छा अच्छा नाटी नाटी बच्चा। हाँ हाँ, गंदा बच्चा, शैतान बच्चा, बेटी हुई है। तेरा क्या कसूर है अब्बा?
शख्सियत का साया बन के रहेगी हमारे सर के ऊपर। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। अगर तेरा शौहर तुझे घर से निकाल दे, अपनी मनुष्य बच्ची को लेके मेरे घर का रुख मत कीजो, समझी तू? मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। अरे भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक खैर भाई। जी लीजिए आप मिठाई खाए। ये लीजिए भाई आपकी परी, माशाल्लाह। कितनी प्यारी है, ये देखो। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। खैर मुबारक, खैर मुबारक यार भाई। थैंक यू। मिठाई वो पड़ी है भाई, खुद उठा लो। मैं तो दो दो मिठाई खाऊंगा। दो दो मिठाई, एक की तो समझ में आ रही है, दूसरे की नहीं। एक तुम्हारी बेटी के पैदा होने की और दूसरी केस का फैसला तुम्हारे हक में आने की। क्या? आज कोर्ट ने केस का फैसला तुम्हारे हक में सुना दिया। कल जमीन के तमाम पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, उसके एक महीने बाद तुम उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तेरे ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकता। ये सब तुम्हारी बेटी के नसीब से हुआ। सही कहा, मगर अब वो जमीन मैं मस्जिद को दिया करना चाहता हूँ। अरे खलील भाई, भाई मुबारक हो, तुम्हें नवासी हुई है। बेटी के पैदा होने से भी कभी कोई खुश होता है? बेवकूफ है मेरा दामाद भी। तुम जानते हो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम बेटियों को मनहूस समझते हो। अगर बाप ही अपनी बेटी को बोझ, जहमत और मनहूस समझेगा तो जाहिर है जिंदगी में असर भी वैसे ही पड़ेगा। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। पालने वाली जात तो अल्लाह की है, हमारे इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस बाप को अल्लाह बेटियां अता करता है ना, उसके लिए जन्नत का रास्ता भी आसान कर देता है। और भाई तुम तो खुशनसीब हो कि तुम्हारे तीन तीन बेटियां हैं।